और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बिहार से। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीवान में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 10 लोगों को शदीद हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों ने गैर कानूनी शराब का इस्तेमाल किया था। हालांकि डीएम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तस्वीर साफ होगी। इसी बीच पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सीवान से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीवान में मुश्तबा हालत में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 10 लोगों को शदीद हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी शराब पीने से ये तबीयत खराब हुई और तबीयत बिगड़ने के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर कुछ साफ होगी डीएम की जानिब से। साथ साथ आपको बताते चले, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी शराब कारोबार पर पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सिवान में 3 मुश्तबा की मौत की जानकारी मिल रही है। 10 लोगों को